स्वच्छता के नाम पर बड़े बड़े दावे कर राष्ट्रीय स्तर पर वेशक पुरस्कार ले लिए गए हों, लेकिन हमीरपुर जिला मुख्यालय की पोल खोलती ये तस्वीर कुछ और ही कह रही है। हमीरपुर मुख्यालय पर ये बातें सारी झूठी लगती हैं, क्योंकि मिनी सचिवालय के पिछली ओर पूरा पूरा दिन भर कूड़े के ढेर मुँह चिढ़ाते हैं और सफाई के नाम पे कुछ नहीं होता है। अक्सर ऐसा नजारा हमीरपुर मिनी सचिवालय के पीछे देखा जाता है, जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है, क्योंकि दीपक तले अंधेरे जैसी स्थिति हमीरपुर मिनी सचिवालय में बनी हुई है। ऐसा यूं कि मिनी सचिवालय में डीसी से लेकर एसडीएम, एडीएम से लेकर राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी रहते हैं, तो साथ ही तीन और जिला स्तर के कार्यालय भी हैं। हालांकि गत दिवस रविवार की छुट्टी के बाद सभी कार्यालय खुल चुके हैं, लेकिन नगर परिषद अभी तक सोई पड़ी है। ऐसी स्थिति केवल पहली बार ही देखने को नहीं मिल रही है, अक्सर ऐसा नजारा यहाँ पे बना रहता है, जिसके चलते आसपास प्रतापनगर की आबादी वो रास्ते पर पैदल चलने वाले लोगों को बहुत ही परेशानी उठानी पड़ती है। स्थानीय निवासी के डोगरा ने बताया कि अक्सर यहाँ गंदगी पसरी होती है, जिससे आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि पहले बड़ा कूड़ादान यहाँ पे रखा गया था, लेकिन अब छोटा कूड़ादान रखा गया है, जिसकी वजह से भी कूड़ा कूड़ेदान के बाहर बिखरा पड़ा होता है। वहीं जब नगर परिषद के ईओ विनोद कुमार से इस बारे में बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि इस बारे में जानकारी नहीं है, और अगर ऐसा हो रहा है तो तुरंत सफाई कर्मचारी को वहाँ पे सफाई करने के निर्देश दिए जाएंगे। जाता जाता तो बड़ा मुश्किल है, यहाँ गाड़ी लगाते हैं पीछे कभी तो देखते हैं, ऑफिस जाना होता है सुबह जाकर, बहुत गंदी स्मेल है और बहुत ज्यादा बिखरा हुआ है कि इतनी ज्यादा गर्मी इतनी ज्यादा है। पहले तो ये आग का भी खतरा है, बीमारी का भी खतरा है इमीडिएटली, और एक व्यक्ति जब नाक बंद करके क्रॉस कर रहा है, और पहले बड़ा डस्टबिन रखा था आप छोटा सा रखे, इसके साथ और ज्यादा फैल चुका है। पहले बड़ा डस्टबिन रखा था आप छोटा रख दिया गया है, तो ऐसे देख रहा हूँ बहुत गंदी स्मेल है।